हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। डिफेंस सिविल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 23 फैड यानी 23 फील्ड एमिनेशन डिपो जालंधर कैंट। तो दोस्तों, लास्ट टाइम आपने इसके लिए अप्लाई किया था, यानी पिछले साल 2019 में आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो 23 फील्ड की ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट का आपका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो साथ ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कौन सी भर्ती और कब इसके फॉर्म भरे गए थे और कब तक आपके घर इसका एडमिट कार्ड पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 23 फील्ड एमिनेशन डिपो में होने वाली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिस नोटिस नंबर 23 फेड रिक्रूटमेंट 1/2019 का ये नोटिफिकेशन है आपका। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी क्या है भर्ती के लिए आपका क्या है नोटिस जारी किया गया था 223 ABOD 17 फेड और 23 फेड, ये एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट थी, ठीक है, जिसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर ट्रेडमैन मेट की फायरमैन की जूनियर असिस्टेंट यानी LDC और MT5 वाला, इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई थी जो कि आपकी नवंबर 2019 में आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या है कि आपकी भर्ती आपकी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 18 नवंबर 2019 को आपके फॉर्म नोटिस जारी कर आपको बताया गया था। यूनिट आपकी 23 फेड के अंदर आपकी सभी क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी होने वाली है। तो इनकी क्या है एडमिट कार्ड अभी आना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आपके ट्रेडमैन मेट के आपके एडमिट कार्ड कुछ कैंडिडेट्स के बाय पोस्ट आपके घर आए हैं। तो उनका क्या है अभी दिसंबर में आपके 15, 17, 18 इन डेट्स को आपकी क्या है अभी आपके फिजिकल प्रोसेस आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं ये एक कैंडिडेट्स का जो है बाय पोस्ट उनका क्या है एडमिट कार्ड आया 23 फील्ड एमिनेशन डिपो रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। तो उन्हें क्या कहाँ पर रिपोर्टिंग करनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट यहाँ पर कैंडिडेट्स को भेजा गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो जाए। और साथ में क्या है उनका जो होगा वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कॉलिंग लेटर यहाँ पर इस कैंडिडेट्स का 23 फील्ड एमिनेशन डिपो 56 APO की पोस्ट है, इसने ट्रेडमैन मेट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था दोस्त ने, तो इसको रिपोर्ट करना है 17/12/2020 को, ठीक है, 17/12/2020 को इसको रिपोर्ट करना है 23 फील्ड एमिनेशन डिपो जालंधर कैंट में इसको रिपोर्ट करना है। तो इसको अपने साथ लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का अगर समय पर नहीं पहुँचा तो वो क्या है टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको अपने साथ लेकर जाने हैं, कोई भी गवर्नमेंट ID आपकी होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आपका वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये अपने साथ इसको लेकर जाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी लास्ट टाइम आपने 23 फील्ड एमिनेशन डिपो जो कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट थी एक, उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका एडमिट कार्ड भी ज़रूर आएगा बाय पोस्ट। यहाँ पर बात करें दोस्तों कि किस प्रकार से एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो क्या है आपकी कुछ एक पोस्ट का क्या होता है यहाँ पर दोस्तों 1/45, जैसा कि ये मैं आपको बता रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर 1/45 यानी एक पोस्ट पर उन्होंने 45 कैंडिडेट्स को भर्ती के लिए बुलाया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडमैन मेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं, मैं आपको एक नोटिस दिखाकर बताऊँगा कि आपको ट्रेडमैन मेट में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज थी पोस्ट थी वो ट्रेडमैन मेट के लिए यहाँ पर 62 वैकेंसीज थी, ठीक है, जिनको जनरल SC ST OBC EWS इन कैंडिडेट्स के हिसाब से यहाँ इनको बांटा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि क्या है आपकी जो वैकेंसीज हैं उनको किस हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर यूनिट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी 23 फेड में आपकी 32 वैकेंसीज, जिनको जनरल में 19 वैकेंसी हैं, आपकी OBC में 10 और AWS में 3 वैकेंसी यहाँ पर निर्धारित की गई है। वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 62 है यहाँ पर, ठीक है,
223 एबीओडी में यहाँ पर 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनमैन, मेट और फायरमैन के लिए वंस, यानी जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से, यानी एक वैकेंसी के ऊपर 75 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब आपकी वैकेंसीज है 62, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 75 यानी करीब 4650, यानी करीब 4650 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली आपके 4650 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए ट्रेडमैन मेट में बुलाया जाएगा, ठीक है। इनकी रनिंग होगी। यहाँ पर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपकी यहाँ पर प्रोसेस होने वाली है इन कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चेस्ट की 81.5 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 50 kg आपका वेट फायरमैन के लिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टीममेट की बात करें तो आपकी 1.5 किलोमीटर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। आपकी रनिंग होगी, 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और 6 मिनट से बाद अगर कोई कैंडिडेट्स आता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कंप्लीट जो प्रोसेस यहाँ पर रनिंग होगी। उसके बाद आपको वेट 50 kg का उठाकर आपको 200 मीटर तक दौड़ना होगा। 100 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी प्रोसेस आपकी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी आपका क्या दिसंबर में 15 से 17 दिसंबर तक आपके क्या है, उससे पहले आपके एडमिट कार्ड आपके घर आपके आ जाएंगे बाय पोस्ट। यहाँ पर बात करें दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने फिजिकल फिट आप रहिए, फिजिकल की आप तैयारी कीजिए। 1500 मीटर आपकी रनिंग है ट्रेडमिल मैट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।